हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल में। आज का जो टॉपिक होने वाला है पेस्ट ऑफ सोयाबीन। पेस्ट ऑफ सोयाबीन के बारे में हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। आपको पता है कि बहुत सारे इंसेक्ट पेस्ट जो हमारी फसलों को नुकसान करते हैं, इसी में से मैंने आज पेस्ट ऑफ सोयाबीन लेने की बात की है। और इसमें भी हम जो स्पेशल टॉपिक बात करेंगे वह हम बात करेंगे गर्डल बीटल की। जिसमें असल जो टॉपिक है ये गर्डल बीटल। वैसे मैं आपके सामने यहाँ पर फ़ोटो के माध्यम से बता रहा हूँ कि कौन कौन से इंसेक्ट सोयाबीन फसल को हार्म करते हैं। गर्डल बीटल, लीफ माइनर, टोबेको कैटरपिलर, एडल्ट गर्डल। देखिए ये एडल्ट गर्डल बीटल देख सकते हैं, ये लार्वी गर्डल बीटल आप देख सकते हैं, या ग्रब आप गर्डल बीटल देख सकते हैं। तो आज के वीडियो में हम बहुत ही अच्छी टॉपिक पढ़ने वाले हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, किसी भी इंसेक्ट की सबसे पहले जानकारी प्राप्त करने के लिए हम उसमें 3 से 4 प्रकार की चीज़ें पढ़ते हैं। एक तो उसका सिस्टेमिक पोजीशन होता है। सिस्टेमिक पोजीशन आगे मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। कोई सा भी इंसेक्ट जो हम स्टडी करेंगे उसमें हम उसका साइंटिफिक नेम, आइडेंटिफिकेशन ऑफ इंसेक्ट, मतलब किसी इंसेक्ट अगर अगर गर्डल बीटल है तो उसे हम कैसे पहचाने कि फील्ड में कि गर्डल बीटल है, और मैं फील्ड का अनुभव भी आपको दूंगा। उसका नेचर ऑफ डैमेज की किस तरह से वो डैमेज करता है, एक से लेकर एडल्ट तक बनने तक वो क्या क्या क्रियाएं करता है पौधे में, ये सारी चीज़ें मैं इसका डिस्कस करेंगे। एंड मैनेजमेंट, उस इंसेक्ट को कैसे कंट्रोल किया जाए। देखिए, वी विल स्टडी गर्डल बीटल ऑफ सोयाबीन। नाम सुना होगा, गर्डल बीटल को चक्रभ्रंग भी कहा जाता है हिंदी भाषा में। चक्र भ्रंग, क्योंकि चक्र बनाकर इंसेक्ट अपनी सोयाबीन फसल को हानि पहुंचाता है। देखिए, टॉपिक स्टार्ट करने के पहले मैंने यहाँ पर 5 फ़ोटो कंप्लीट बताई है, आप लोग इससे गेस कर सकते हैं। देखिए, नंबर 1 फ़ोटो को आपको देखनी है, ये जो कैरेक्टर हैं जब आप सोयाबीन के फील्ड में जाते हैं और इस तरह का अगर आपको कैरेक्टर दिखा है, ऊपर वाली जो लीव्स हैं वो थोड़ी सी मुरझाई हुई हो, तो यह यकीनन गर्डल बीटल के सिम्टम है। इसके बाद अपन को सेकंड वाली फ़ोटो देखना है। सेकंड वाली फ़ोटो जब आप देखेंगे और जब ये इस तरह का मुरझाई हुई लीफ होगी हमारी, तो उस लीफ के पास 2 तरह के छिद्र होंगे। मतलब आपको समझ जाना है खेत में हमारे फील्ड में गर्डल बीटल का अटैक हुआ है। फिर जब इस छेद को हम खोलेंगे तो थर्ड नंबर की इमेज जो आपको दिख रही है, इसमें ये पीला पीला जो येलो कलर का ग्रब दिख रहा है गर्डल बीटल का, वो होगा। देन जब फाइनल इसकी एज हो जाती है 4th नंबर में, तो इसका साइज फसल के साथ बढ़ता जाता है। और 4th नंबर में कम से कम ये 2-2.5 इंची का हो जाता है और पूरी फसल में एंट्री करता है और पूरा सूखा देता है। लास्ट में जब इसका एडल्ट होता है 5th में, तो एडल्ट कहीं ना कहीं उसकी एंटीनी से हम पहचान सकते हैं गर्डल बीटल की। गर्डल बीटल को पहचानना उसके एंटीनी से हम आसानी से पहचान सकते हैं। उसकी एंटीनी बहुत बड़ी होती है उसके बॉडी पार्ट पर। ये 5 फ़ोटो में आपको ध्यान से समझना है, इसी के आधार पर हम आगे की स्टडी करेंगे। तो सिस्टेमिक पोजीशन में देखिए 4 चीज़ें आती है। सबसे पहले हम गर्डल बीटल की सिस्टेमिक पोजीशन की बात कर रहे हैं। सिस्टेमिक पोजीशन में अब हमेशा याद रखना है आपको, जीनस होता है, स्पेसीज होता है, ऑर्डर होता है एंड फैमिली होता है। मतलब साइंटिफिक नेम के साथ ही ऑर्डर और फैमिली, ये 4 चीज़ें होती है जिसे सिस्टेमिक पोजीशन कहा जाता है। तो हम कोई सा भी इंसेक्ट पढ़ेंगे जिसके बारे में, हम किसी भी इंसेक्ट के बारे में स्टडी करेंगे, तो उसमें 4 चीज़ें होगी। तो गर्डल बीटल के लिए जीनस है ओबेरियोपसिस, स्पीसीज है ब्रेविस। तो द साइंटिफिक नेम क्या हो जाएगा गर्डल बीटल का, ओबेरियोपसिस ब्रेविस। क्या हो जाएगा, ओबेरियोपसिस ब्रेविस। और इसका ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर है इसका कोलियोप्टेरा। ध्यान रखना, यहाँ से आपका एक प्रश्न बन सकता है, ऑर्डर क्या है इसका, कोलियोप्टेरा। एंड फैमिली भी ध्यान रखना है, फैमिली क्या है, लेमिडी। तो सिस्टेमिक पोजिशन ऑफ द गर्डल बीटल व्हाट शुड बी, तो ये होना चाहिए ओबेरियोपसिस ब्रेविस इसका जीनस एंड स्पेसिस नेम है। एंड ऑर्डर हो जाएगा इसका कोलियोप्टेरा एंड फैमिली है लेमिडी। मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि कोलियोप्टेरा जो है इंसेक्ट का सबसे बड़ा ऑर्डर है। देन हम नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन की बात है कि भैया गर्डल बीटल कहाँ कहाँ पाया जाता है या किस स्टेट्स में पाया जाता है। तो है डिस्ट्रीब्यूटेड इन ऑल द सोयाबीन प्रोड्यूसिंग स्टेट। तो लगभग लगभग हमारे इंडिया में जहाँ जहाँ जैसे मध्य प्रदेश में सोयाबीन होता है, अपने महाराष्ट्र में सोयाबीन होता है, तो यहाँ पर यह मेन्यू पाया जाएगा। और इंसेक्ट को सबसे पहले किसने रिकॉर्ड किया था,
फ्लेचर नाम के साइंटिस्ट ने सबसे पहले इंडिया में रिकॉर्ड किया था दिस पेस्ट को, तो डिस्ट्रीब्यूशन आपको याद रखनी है। देन है होस्ट रेंज का मीन्स क्या हुआ कि होस्ट रेंज में बात हम करेंगे कि आइदर सोयाबीन के अलावा और कौन कौन से ऐसी फसलें हैं जिसमें हमारा ये गर्डल बीटल है, जिसे चक्रभृंग भी कहा जाता है, यह अटैक करता है। तो यह सोयाबीन के साथ मूंग में है, उड़द में है, फील्ड बीन्स में है, काउपी, पिजन पीज, ग्राउंड नट, नाइजर, चिलीज, बीटल गर्ड, वाइट वाइल्ड वीट्स में भी पाया जाता है। तो होस्ट रेंज के बाद नेक्स्ट स्लाइड पर हम चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड है आइडेंटिफिकेशन, हाउ वी कैन से इट इज़ द गर्डल बीटल। तो गर्डल बीटल का सबसे जो दो कैरेक्टर हैं उसकी एडल्ट का, तो एडल्ट बीटल का कलर जो होता है पेल ब्राउन होता है, जैसे कि मैंने पहले स्लाइड में बताया था, और 7 से 10 mm लंबा होता है। सबसे गर्डल बीटल की जो पहचान है, फीमेल इज़ बिगर देन मेल, एंटीनी आर आइदर इक्वल और इवन लॉन्गर देन द बॉडी लेंथ। तो देखिए मैंने यहाँ पर वही कैरेक्टर डाले हैं जो आपकी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, और यूट्यूब पर हम स्टडी कर रहे हैं तो सबसे ज़रूरी हो जाता है कि हम इम्पोर्टेंट ही लेक्चर पढ़ें, इम्पोर्टेंट ही पॉइंट्स पढ़ें। ऐसे तो बहुत होता है इंसेक्ट के बारे में, पर मैं वही बताना चाह रहा हूँ जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो ये ध्यान रखना है, गर्डल बीटल की जो फीमेल होती है मेल से बड़ी होती है, और एंटेनी जो होती है बॉडी से या तो बड़ी होगी या इक्वल होगी, ठीक है। ग्रब का क्या आइडेंटिफिकेशन है, तो अभी मैंने बताया ग्रब जो होता है इसका येलो होता है और मैक्सिमम 19 से 22 mm लेंथ तक होता है। इसकी बॉडी आपको ध्यान रखना है सब सिलेंडिकर एंड स्लाइटली फ्लैटेंड लेटरली। आपसे ये प्रश्न पूछा जाता है कि निम्न में से कौन से इंसेक्ट का ग्रब की बॉडी सब सिलेंडिकर होती है, तो सब सिलेंडिकल किसकी होती है, गर्डल बीटल की। नेक्स्ट है प्रोथोरेक्स को आपको याद रखना है, क्योंकि जो हमारा थोरेक्स होता है 3 भागों में बटा रहता है, प्रोथोरेक्स, मीजोथोरेक्स, ईश्वरिया मेडी हो गया है, तो मीजोथोरेक्स आएगा, मेटाथोरेक्स। तो प्रोथोरेक्स किससे बड़ा होता है, मीजो एंड मेटाथोरेक्स से मिलकर बड़ा होता है, ये आपको ध्यान रखना है आइडेंटिफिकेशन में। होप आपको इतना समझ में आएगा, चलते हैं नेक्स्ट साइड पर। नेचर ऑफ डैमेज, देखिए नेचर ऑफ डैमेज कि भाई गर्डल बीटल डैमेज कैसे करता है फसल को, सोयाबीन फसल को डैमेज कैसे करेगा। तो डैमेज करने के लिए ये देखिए, जब भी आपको सोयाबीन के फील्ड में मुरझाया हुआ पौधा ऊपर से हो और उसमें जब कट हो तो समझ जाइए कि यह कौन है भाई, गर्डल बीटल आ गया। तो गर्डल अब ये ध्यान रखना है कि नेचर ऑफ डैमेज में सबसे बड़ी अवस्था होती है कि उसकी, जैसे हम कोई भी पढ़ते हैं कंप्लीट मेटामॉर्फिस पढ़े या इनकम्प्लीट मेटामॉर्फिस पढ़े, इनकम्प्लीट मेटामॉर्फिसिस में एग निम्फ एडल्ट होता है, और कंप्लीट मेटामॉर्फिसिस में एग होता है, लार्वी होता है, प्यूपी होता है, एडल्ट होता है। तो गर्डल बीटल की डैमेजिंग स्टेज आपको ध्यान रखना है ग्रब, ग्रब के साथ एडल्ट भी कहीं कहीं होता है लेकिन मेनली जो है वह ग्रब है। ग्रब इज़ इंटरनल बॉर्डर ऑफ स्टेम। ग्रब क्या करता है, जब ये दो प्रकार के छेद बना के अंदर घुस जाता है और स्टेम में टनल बना देता है, टनल्स बना देता है। ओनली वन ग्रब लीव्स इन अ प्लांट, ये बहुत प्रैक्टिकल है। जब अगर आप फील्ड में देखेंगे तो इसमें जब करेंगे तो केवल एक ही अदर इल्ली कह सकते हैं, ग्रब कह सकते हैं, ये उस स्टेम में रहते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गर्डल बीटल कब लगता है सोयाबीन में, तो शुरू के लगाने के 15 से 30 दिन में गर्डल बीटल अटैक्स स्टार्ट कर देता है। होप इतना आपको समझ में आया होगा, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। लाइफ हिस्ट्री के बारे में आपको पढ़ना बहुत जरूरी, इसमें से भी कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसकी लाइफ जो है दो तरह से चलती है, ये फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर, जुलाई से फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर में सोयाबीन की फसल पर रहता है। दूसरा है द ओविपोजिटिंग फीमेल कट्स टू, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, टू कट्स पैरेलल गर्डल्स बाय इट्स मैंडिबल्स। जो फीमेल होती है, जब फीमेल जब ओविपोजिटर करती है, ओविपोजिटर उसको जब एक देना होता है तो कट्स टू पैरेलल गर्डल्स बाय इट्स मैंडिबल, अपने मैंडिबल से बनाती है। ये भी एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि किस कौन सा पार्ट यूज़ करता है इंसेक्ट, तो मैंडिबल करता है। और दो कट, ये भी आपकी परीक्षा में पूछा जाता है कि निम्न में से ऐसा कौन सा इंसेक्ट है जो दो कट बना के फसल को हानि पहुँचाता है, तो गर्डल बीटल होगा। फीमेल ड्रिल्स 3 ट्रांसवर्स होल्स बिटवीन द गर्डल्स, अब ये जो दो कट बने इसमें 3 होल बनाती है और सेंट्रल होल में एंट्री टू ओविपोजिशन एक डालती है, मतलब 3 होल बनाया जिसमें से बीज वाले में वो एक रखती है। ओनली 1 egg इज लेड पर गर्डल, और एक गर्डल में कितने एग रहेगा, एक। अब मध्य प्रदेश में सोयाबीन की दो स्टेजेस देखी गई है, एक शॉर्ट लाइफ साइकिल होती, सॉरी गर्डल बीटल की शॉर्ट लाइफ साइकिल एंड लॉन्ग लाइफ साइकिल।
तो शॉर्ट लाइफ साइकिल को एक्टिव लाइफ साइकिल मानी है, क्योंकि सोयाबीन हमारी फसल जो है खरीफ में लगाई जाती है और ये जुलाई से अक्टूबर तक ग्रो करेगी। लॉन्ग लाइफ साइकिल में बात करेंगे तो नवंबर टू मिड जून जो डिस्पाइस पीरियड रहता है, मतलब इस स्थिति में हाइबरनेशन में इंसेक्ट चला जाता है। पर आपको ये ध्यान रखना है कि गर्डल बीटल की दो लाइफ साइकिल होती है, एक शॉर्ट लाइफ साइकिल एक लॉन्ग लाइफ साइकिल। शॉर्ट लाइफ साइकिल जो होती है जुलाई टू अक्टूबर तक रहेगी और लॉन्ग लाइफ साइकिल जो है नवंबर टू जब तक उसका डिस्पर्स या जो हार्वेनेशन स्टेज में रहेगा जब तक वो रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, मैनेजमेंट कैसे करें, हाउ टू मैनेजमेंट गर्डल बीटल। तो सबसे ज़रूरी है कि सोविंग शुड बी ऑन सेट ऑफ मानसून, जब हमारा मानसून आए तभी सोविंग करें। हमेशा सोल क्रॉपिंग करना चाहिए, इसके साथ कभी भी सोरगम की फसल कोई लगा देता है इंटर क्रॉपिंग कभी नहीं करना चाहिए, हमेशा सोल क्रॉपिंग करना चाहिए। कीप ऑप्टिमम प्लांट पॉपुलेशन, हमेशा ही खेत में डिस्टेंस टू डिस्टेंस रखना चाहिए, रेज एंड फरो पे लगाना चाहिए जिससे कि इंसेक्ट नहीं आएगा। अगर ऑप्टिमम प्लांट पॉपुलेशन रहेगी, प्लांट ज्योमेट्री राइट रहेगी तो हमारा इंसेक्ट भी कम लगेगा और प्रोडक्शन भी आपका ज़्यादा होगा। देन प्रॉपर वीड मैनेजमेंट, प्रॉपर वीड मैनेजमेंट करेंगे तो इंसेक्ट के जो हमारे इंसेक्ट्स के जो हमारे छुपे हुए हैं या तो एग्स हैं या तो कोई एडल्ट छुपा हुआ है तो वो आसानी से मर जाएगा, जिससे कि वो कंट्रोल हो जाएगा। देन रिमूव गर्डल पोर्शन, रिमूव गर्डल पोर्शंस का मतलब ये है कि जब हमारी फसल हार्वेस्टिंग के बाद जब हमारी फसल की एज पूरी हो जाती है और जो गर्डल वाला पार्ट रहता है वहाँ पर उसका एडल्ट या उसके एग्स रहते हैं, तो इनको अगली फसल करने के पहले इसको हटा देना चाहिए जिससे कि यह नेक्स्ट ईयर इसकी लाइफ साइकिल में नहीं पहुँच पाए और वो वहीं पर ही ख़त्म हो जाए। अगर आप ये चीज़ें करते हैं इसके बाद इसमें जो है स्प्रे पेंट, सॉरी पेंट हो गया ये, स्प्रे क्विनाल फास्ट 25 EC एट द रेट 1 लीटर पर हेक्टेयर और ट्राइजोफास 40 EC 800 ml पर हेक्टेयर। तो यह क्विनाल फास्ट या तो आप स्प्रे कर सकते हैं 1 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से, या ट्राइजोफास कर सकते हैं 400 ml प्रति हेक्टेयर की दर से। कैरी ओवर पॉपुलेशन, इसका मतलब ये हुआ है कि भाई जितने जैसे हमारी सोयाबीन फसल लगी हुई है होल ईयर वो फसल रहती है हमारी, तो नेक्स्ट जनरेशन में रोकने के लिए जो डिस्ट्रॉय ऑफ पीसेज ऑफ स्टेम हैविंग डिस्पर्सिंग ग्रब, जो हमारा स्टेम है जो हमारी फसल हो ख़त्म हो चुकी है और अगर स्टेम कहीं बाकी है सोयाबीन का तो उसमें देख के जो छुपा हुआ ग्रब है उसको उखाड़ के नष्ट कर देना चाहिए जिससे कि नेक्स्ट ईयर पॉपुलेशन बढ़ने की संभावना कम रहेगी। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, यह वीडियो अगर आपको पसंद आता है और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक ज़रूर कर देना, और इस प्रकार का अगले वीडियो और मैं आपके साथ ला रहा हूँ और अच्छी तरह का पैकेज आपके साथ लेके आऊँगा और आपका साथ हमेशा बना रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो, थैंक यू।